वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसमें भी हम किन टॉपिक्स को करेंगे आज, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस यानी कि ईएमएफ, एंड लास्ट वन इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले हम अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें तो हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल एक तरह की ड्राइविंग फोर्स होती है दो सेल रिएक्शंस के बीच में। दो सेल रिएक्शन कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जो रिडक्शन हाफ सेल है, उन दोनों के बीच की ड्राइविंग फोर्स क्या कहलाती है, सेल पोटेंशियल। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। जैसे आपने लिया था गैल्वेनिक सेल में जिंक कॉपर का एग्जांपल, यहाँ पर जिंक रोड थी, यहाँ पर कॉपर रोड, तो इन दोनों हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, या जिंक और कॉपर रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल। अगर मैं कहूँ जिंक और कॉपर का पोटेंशियल जो है वो दोनों का सेम है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ नो एनी फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर या कॉपर टू जिंक, क्योंकि वहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। हम इसको एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, हमेशा चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, अपनी ज़्यादा अमाउंट से कम की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जिंक से कॉपर की तरफ, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, यहाँ पर कम थे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो ना तो किसी की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को देने की और ना कॉपर की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की, और उस टाइम आपके पास कोई भी करंट नहीं आएगा, और इसलिए हमने क्या कहा, सेल पोटेंशियल को ड्राइविंग फोर्स। तो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, ई सेल को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड का, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड मैंने लिया कैथोड माइनस एनोड। कैथोड हमेशा कहाँ बनाई जाती है, आपके राइट हैंड साइड, और एनोड कहाँ बनाई जाती है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको याद रख सकते हो, जब हमने जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिस्कस किया तो जिंक हमने बनाया था लेफ्ट और कॉपर को हमने बनाया था राइट, तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट। कॉपर पर क्या हो रही थी, रिडक्शन, तो हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अगर हम उन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। लास्ट वही आ गया आपके पास कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया, एक ड्राइविंग फोर्स है फॉर द सेल। अब हम बात करते हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब आपके पास कोई भी करंट सेल में से ना पास हो रहा हो तो उस टाइम जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ, मींस जब आपकी सेल वर्किंग में ना हो, क्योंकि सेल वर्किंग में कब होती है, जब वहां से करंट फ्लो करता है। जैसे आपको ध्यान है, जब हमने जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस किया तो हमने कहा था जो वहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है उसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। हम सपोज करते हैं कि अगर वहाँ पर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होता, कुछ सेकंड्स के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था जिंक से कॉपर की तरफ वो रुक जाता। क्यों रुक जाता, वो आपको बताया था, जिंक की सराउंडिंग में किसका अमाउंट बढ़ जाता, जिंक टू पॉजिटिव का, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, और कॉपर सल्फेट में, कॉपर की सराउंडिंग में किसका अमाउंट बढ़ जाता, सल्फेट का, तो ये नेगेटिव को लेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को जाने नहीं देगा। तो इसमें क्या था आपके पास, सेल स्टॉप्स टू वर्क, और उस टाइम करंट का फ्लो भी नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉनिक करंट का ना कन्वेंशनल का, तो उस टाइम जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर हम देखें जो हाफ सेल होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो वर्क क्या अकेले कर सकती हैं, नहीं, दे आर वर्किंग इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। जैसे एक तरफ आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो दूसरी तरफ आपने क्या ली थी, रिडक्शन हाफ सेल। हमने कहा जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कॉपर क्या होगा, रिड्यूस्ड, क्योंकि ये सब किस चीज़ पर बेस्ड हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स
रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन तो दूसरी तरफ रिडक्शन, एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा उसके ही विद रिस्पेक्ट क्या जाता है, रिडक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाफ सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दे आर वर्क ओनली इन कम्बिनेशन विद ईच अदर, दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अकेले काम नहीं कर सकते। मींस अगर मैं चाहूँ कि जिंक जिंक अकेला जो बीकर था जिंक और जिंक सल्फेट वाला, अगर वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करे तो वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स हमें जो यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनका मिलता है, मीन्स जिंक का जो हमें मिला 0.763 वोल्ट, या फिर कॉपर का हमें मिला +0.34 वोल्ट, वो हमारे पास उनका कैसा है, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ नॉट द प्योर, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, वो कैसा है, रिलेटिव, क्योंकि जिंक कॉपर के रिलेशन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जिंक के रिलेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी कॉपर यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है और जिंक उसके ही फेवर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्यों निकालना जरूरी है। तो वही जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करती है कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ, तो उनके पास हमारा क्या निकल कर आता है, उन सेल पोटेंशियल्स रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के फॉर्म में। तो उनका कोई एब्सल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम सिलेक्ट करें किसी एक इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड या एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और जनरली जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में चूज़ करते हैं, वो किसको चूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन को। और उसका नाम क्या बनता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर नाम क्या दिया जाता है, NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमने रेफरेंस के लिए जो इलेक्ट्रोड लिया उसमें हमने हाइड्रोजन को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आता है 0.0 वोल्ट। मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और कंडीशन, ये कुछ से ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ से कम रिएक्टिव है। मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है और रिड्यूस्ड भी, ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी। जैसे अगर ये एनोड बिहेव करेगा तो हाइड्रोजन से ये किस में चला जाएगा, 2H+ विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये किस तरह बिहेव करेगा एज अ कैथोड तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, 2H+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गैस राइज H2। तो हम यहाँ पर अब किसके बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो नेक्स्ट इज, अगर हम अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो इट कंसिस्ट ऑफ द प्लैटिनियम वायर। अगर हम इसको दिखाएं इस तरह से, किससे कंसिस्ट होती है ये, प्लैटिनियम वायर से, जिसको हमने सील करके रखा हुआ है इन अ ग्लास ट्यूब, एंड इट हैज़ अ प्लैटिनियम फॉयल अटैच टू इट। जो मैंने ये लिया, ये क्या है आपके पास, प्लैटिनियम फॉयल है जो इस प्लैटिनियम वायर के एक किनारे पर जुड़ा हुआ है, और इस प्लैटिनियम वायर को मैंने इस तरह से सील किया हुआ है किसके अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर। तो ये जो आउटर कवरिंग है ये आपके पास क्या है, ग्लास ट्यूब सील करने के लिए। और जो आपके पास ये फॉयल है, प्लैटिनियम फॉयल, इस पर क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनियम को हमने कोट किया हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्लैटिनियम फॉयल कोटेड विद, मतलब कि इस पर क्या है, एक परत लगी हुई है, कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड PT means प्लेटेनियम, प्लेटेनियम पाउडर से हमने इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब इसमें क्या है, यहाँ सराउंडिंग में इसके हाइड्रोजन गैस को डालने के लिए इस तरह से एक आउटलेट बनाया हुआ है। यहाँ से हम किसको डालते हैं, H2 गैस को, और जो H2 गैस अंदर जाती है
वो कहाँ पर डाली जाती है? इस तरह से एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में आपके पास क्या होता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो अगर हम इसकी डिटेल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ द प्लेटिनियम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब एंड हैविंग द प्लेटिनियम फॉयल एट वन एंड दैट कोटेड विद द फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम एंड दैट प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डिप इन टू द 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एंड द हाइड्रोजन गैस बबल्ड इन टू दिस सॉल्यूशन एट 1 bar प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। जो आपके पास ये फॉयल का सरफेस है, ये आपके लिए क्या एक्ट करता है, साइट फॉर द रिएक्शन। तो अगर हम इसको कंप्लीट को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर हम बात करते हैं अब वर्किंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो हम क्या कहेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है और रिड्यूस्ड भी हो सकता है। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE इज वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट एक्ट एज बोथ एनोड और कैथोड। अगर वो एनोड की तरह बिहेव करेगा तो वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप उसको शो करोगे हाइड्रोजन गैस गिव्स राइज 2H+ विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर वो कैथोड बिहेव करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन, और आपके पास रिएक्शन आएगी ये। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपके पास SHE का होता है वो कितना है, कंसीडर्ड टू बी 0 या टेकन एज 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप डिफाइन करो अब, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द SHE। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करेंगे, ई नोट से, और डिफाइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का जब आप उसको डिटरमाइन यानी कि उसको कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट। या हम इसको एक दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन हर एक स्पीसीज की यानी कि आयंस की जो उन हाफ सेल्स के अंदर इन्वॉल्व है अगर उनको कितना मान के चले, 1 मीन्स यूनिटी, तभी भी जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर अब मैंने एक अरेंजमेंट आपको शो की है जो किस चीज़ के लिए है, मेजरमेंट ऑफ ई नोट। ई नोट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। इस अरेंजमेंट में मैंने आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसको लिया, जिंक को, और राइट हैंड साइड किसको लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ज़्यादा रिएक्टिव है तो मीन्स जिंक पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमेशा हम कहाँ पर बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ हाइड्रोजन पर क्या होगी, रिडक्शन, और रिडक्शन हाफ सेल को हमेशा कहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, अपने राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर आपने देखा हमने जिंक इलेक्ट्रोड को और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट किया किससे, वोल्ट मीटर से, और 1 मोलर जिंक सल्फेट और 1 मोलर HCl सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट किससे किया, सॉल्ट ब्रिज से। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पर रिडक्शन, तो हम रिएक्शंस को लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, जिंक चेंजेस टू द जिंक टू पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ सेल में आपके पास क्या होगा, जो HCl से H पॉजिटिव आयन्स होंगे वो इन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, H2 गैस के अंदर। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो यहाँ से जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मीन्स यहाँ से जिंक टूटेगा, जिंक 2 पॉजिटिव,
और साथ में क्या देगा, दो इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन इन वायर की हेल्प से कहाँ पर ट्रांसफर हो गए, इधर हाइड्रोजन पर। तभी तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हुए यहाँ पर क्या हुआ उनका गेन। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो कौन सा करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब उसका हमें कैसे पता चलेगा, डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगी वो आपको क्या शो करेगी, सेल पोटेंशियल को। तो जो यहाँ पर वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन है वो आपके पास कितना आता है सेल पोटेंशियल, 0.76 वोल्ट। मीन्स यहाँ से आपने रीडिंग देखनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ई सेल किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर कैथोड कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का भी मैंने बताया था कि सेल पोटेंशियल हमेशा कैसा कंसीडर करते हैं, जीरो। तो जीरो माइनस ई आपके पास एनोड, एनोड यहाँ पर कौन है, जिंक। तो Zn2 पॉजिटिव टू जिंक। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ई सेल की आपके पास वैल्यू यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0.76। अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 0.763 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमने पुट की इक्वल टू ई आपके पास किसका है, हाइड्रोजन का, जो कैसा है, जीरो। माइनस ई हम किसके लिए लेकर चल रहे हैं, यहाँ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अगर हम देखें यहाँ से माइनस साइन को अगर मैं इधर ले आऊँ तो मैं और भी क्या लिख सकती हूँ, ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn कम्स आउट टू बी 0.763 वोल्ट, और वो कैसा, नेगेटिव का। तो आपके पास जो ये वैल्यू आई ये आपके पास क्या शो करती है, दिस इज द स्टैंडर्ड यानी कि ई नॉट। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो आपके पास ये ई नॉट किसका आ जाएगा, जिंक। मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कंसीडर टू बी दिस। इसीलिए जब मैंने आपको सेल पोटेंशियल निकलवाया जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो मैंने वहाँ पर वैल्यू कौन सी यूज़ की, माइनस 0.763, बिकॉज इट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। और वो हमने किससे निकाला, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं, कॉपर का। सिर्फ उसमें हमें क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ड्रॉ करेंगे और इस तरफ हम किसको ड्रॉ करेंगे, कॉपर को। रीज़न, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। यहाँ पर अब हमने अरेंजमेंट किसकी शो की है, कॉपर इलेक्ट्रोड की और हाइड्रोजन की। कॉपर को हमने कहाँ पर लिया, अपने राइट हैंड साइड, क्योंकि वो कैसे बिहेव करेगा, रिडक्शन हाफ सेल, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को लिया हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा तो इट मीन्स जो SHE है वो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज एनोड। एनोड पर आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन क्या होगी, H2 गिव्स राइज टू एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुए तो वो दो इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ चले जाएंगे, विद दी हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, कॉपर के पास। तो इसका मतलब कॉपर एक्ट एज कैथोड। कैथोड पर आपके पास क्या होगी, यहाँ रिडक्शन। रिडक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। जब आपके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो यहाँ से वोल्ट मीटर में से डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी और आपको क्या मिलेगा, ई नोट सेल। मीन्स सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पर आपके पास, कॉपर। तो हम लिखेंगे ई कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई एनोड। एनोड किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, ई
एच पॉजिटिव टू एच टू। सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई? 0.34 वोल्ट। कॉपर का हमें निकालना और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टैंडर्ड है तो ई नोट लगा देंगे, ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट की? जीरो। तो यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का कितना आ जाता है? 0.34 वोल्ट, जैसा कि हमने यूज़ किया था जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अगर आपको वहाँ ध्यान है तो हमने क्या लगाया था फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड वहाँ पर कौन था? कॉपर। तो कॉपर की वैल्यू हमने पुट की थी 0.34। एनोड कौन था? जिंक। तो जिंक की हमने वैल्यू पुट की थी माइनस 0.763। और इसको सॉल्व करके हमारे पास ई सेल कितना आया था? 1.1 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो सिल्वर का, तो वो आता है आपके पास 0.80 वोल्ट। लिथियम का निकालते हो तो वो आता है माइनस 3.05 वोल्ट। इस तरह आप किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हो। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिस मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आता है, मींस वो कैसा होगा? ज़्यादा रिएक्टिव। और जिनका पॉजिटिव आता है, इट मींस वो कैसे होंगे? कम रिएक्टिव। जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो उतना ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। और जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।